हेलो बच्चों बच्चों, आज हम शाम की किसान कविता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी पसंद की बुक का आठवां पाठ, पाठ आठ, शाम की किसान। हमने थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप बहुत कुछ इस पोएम के बारे में जान चुके हैं। इस पोएम को कवि ने चित्रित किया है, पोएम में कवि ने, इस कविता में कवि ने एक प्राकृतिक दृश्य को चित्रित किया है, उसका वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर शब्दों में कवि की कल्पना है। हम जानते हैं कि कवि की कल्पना कहीं भी पहुंच जाती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहा जाता है ऐसा कि कवि कुछ भी सोच लेता है, किसी भी दृश्य को। कभी कभी आता है हमारे मन में, हम बादलों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई आकृति बनी हुई है आसमान पे, बादल किसी आकृति को दिखा रहे हैं, ऐसा हमें होता है। तो कवि की कल्पना यहाँ पर क्या हमें बता रही है, ये हम देखते हैं। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना है, जिनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कविता है और आप पढ़ेंगे तो वाकई आपको पढ़ते समय भी हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगता है कि वाकई वो चित्र हमारे सामने है ना। कवि ने इतना सुंदर उस शाम का वर्णन किया है, शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता का प्रसंग क्या है, कि कवि ने इस कविता में एक शाम का, शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत सुंदर मनोरम वर्णन, ये इसका प्रसंग है कविता का। हम कविता का के बारे में जाने कि कवि ने क्या क्या हमें किस चित्र के रूप में उस शाम को देखा है, कवि क्या देख रहा है उस शाम को। कवि देख रहा है कि शाम का एक बहुत सुंदर सा दृश्य है और एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर बादल है ना, और पास में एक उसके साइड में ही पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ सूर्य है और कुछ ऐसी रोशनी सूर्य की पहाड़ों पर पड़ रही है, ऐसा कुछ सीन वो देख रहा है। तो उस दृश्य को देखकर कवि ने अपनी कल्पना से एक चित्र बनाया। क्या चित्र बनाया, कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर ऊपर आकाश उस पहाड़ की चोटी को छू रहा है। कवि कह रहा है कि वह आकाश, वह पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसान बैठा है, शाम हुई है और कोई किसान चुपचाप बैठा हुआ है और आकाश उसकी उस पर्वत की चोटी पर इस तरह टिका हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वह आकाश उस किसान का, पर्वत पे किसान का साफा बन गया है, उस किसान ने साफा बांध रखा हो। पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे चुपचाप बैठा हुआ कोई किसान है और आकाश उस किसान का साफा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कवि ने यहाँ पर पहाड़ की कल्पना, पहाड़ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, किसान के रूप में। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है कि मानव के रूप में, मानव के रूप में पहाड़ को, पहाड़ के चित्र को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब आप अलंकार के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि अलंकार क्या होता है, मानव के रूप में कल्पना करना किसी ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा दृश्य कवि ने यहाँ चित्रित किया है शाम का, कि पहाड़ ऐसा लग रहा है कि जैसे चुपचाप बैठा हुआ एक किसान है और आकाश, किसान ने उस आकाश के टुकड़े को अपने पहाड़ के सिर पर, वो आकाश का चोटी पर आकाश का टुकड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश को उसने साफे के रूप में बांध रखा है ना। और उसके पहली पंक्ति का मैंने आपको अर्थ बताया, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांध कर सूरज, चिलम होता है हुक्के के ऊपरी हुक्का होता है जिससे कुछ लोग ऐसा हुक्का पीते हैं, धुआं लेते हैं, धुआं छोड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है तो हम बता रहे हैं कि हुक्के के ऊपर चिलम रखी हुई जो वस्तु होती है वो चिलम होती है। तो उस चिलम के ऊपर जैसे
बोला कि यह किसान अपने हाथों से सूरज की चिलम को खींच रहा है, कि वह चिलम के ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है ना, हुक्के के ऊपर रखी हुई कोई वस्तु है ऐसा लग रहा है। तो ये पहाड़ के पहाड़ रूपी किसान ने आकाश रूपी साफा पहन रखा है और वह ऐसा लग रहा है जैसे वह सूरज की चिलम को खींच रहा है ना, और उसके हाथों में सूरज की चिलम हो ऐसा लग रहा है, सूरज रूपी चिलम। तो यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट के माध्यम से कवि यहाँ पर हमें उस दृश्य के वर्णन को हमें चित्रों के माध्यम से कवि यहाँ बता रहे हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चारों से, अब इस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर ये नदी बह रही है, नदी सफेद चादर से नदी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नदी उस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर पड़ी हुई है चादर के समान, कि उसने एक चादर ओढ़ रखी हो, है ना। ये दृश्य पूरा शाम का दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य शाम का है, और शाम भी किसकी, कौन से मौसम की, सर्दी के मौसम की, जाड़े की, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम, ठिठुरने वाली, जो कप कपाने वाली सर्दी होती है, उस सर्दी के शाम का यह दृश्य है। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये पहाड़ जैसे पहाड़ रूपी किसान ने आकाश का साफा पहना है और वह सूरज की चिलम को अपने हाथों में लेकर उसे खींच रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वह नदी जो बह रही है उसके घुटनों के यहाँ से, सफ़ेद नदी, वह उसकी उसने अपने घुटनों पर जो चादर ओढ़ रखी हो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगूठी, अंधकार को पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब कवि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे देखो। अभी तक हमने इतना पढ़ा कि पहाड़ किसके समान लग रहा है, किसान के समान, आकाश रूपी साफा उसने पहन रखा है, उसके हाथों में सूरज की चिलम है जिसे वह ऐसा लग रहा है खींच रहा है, और उसके घुटनों पर नदी, एक सफ़ेद नदी ऐसी लग रही है जैसे उसने सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ रखी है। जाड़े की एक शाम का, सर्दी की एक शाम का यह दृश्य है। और क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है उस जंगल में पलाश के जो पेड़ हैं, पलाश के जो पेड़ होते हैं, पलाश के फूल लगते हैं लाल लाल रंग के, तो सूरज की रोशनी से वो लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हैं। अंगीठी होता है सिगड़ी, सिगड़ी में जब कोयला पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो लाल रंग का हो जाता है ना, लाल रंग का, तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की किरणें उन पलाश के पेड़ों पर गिर रही है, और वो जो पलाश के फूल हैं वो अंगीठी के अंगारों के समान दहक रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पूरा सीन ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व की दिशा में सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व की दिशा में भेड़ों का एक ऐसा हुआ घास, जो छोटे छोटे पौधे घास होते जो लगे हुए, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भेड़ों का जो झुंड है वो सिमट कर बैठा हुआ है, सिकुड़ कर बैठा हुआ है ठंड से, वो झुरमुट ऐसे लग रहे हैं। पहाड़ों पर हम देखते हैं ना कि झाड़ियों का ऐसे ऐसे गुच्छे बने हुए रहते हैं, तो वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे भेड़ों का समूह सिमट कर ऐसे सहम कर बैठा हुआ है ठंड से। अचानक मोर बोला, अगले पद्यांश में अचानक मोर बोला जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, जैसे ऐसा लगा अचानक से मोर बोला और मोर के बोलने से सब कुछ उल्टा हो गया, जैसा दृश्य था वो सब कुछ उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। क्या हुआ कि चिलम औंधी हो गई, मतलब चिलम गायब हो गई, सूरज डूब गया और धुआं उठ गया और अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधेरा अंधकार छा गया, रात्रि हो गई। तो इस तरह से कवि ने एक सर्दी की शाम का बहुत ही सुंदर वर्णन एक चित्र के माध्यम से अपनी कल्पना में एक चित्र को बनाया और उस चित्र को उन्होंने कविता में वर्णित किया है बहुत ही सुंदर शब्द में, जिसमें पहाड़ को उन्होंने किसान की संज्ञा दी है, किसान का नाम दे दिया है, कि यह पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे बैठा हुआ एक किसान
नदी ऐसी लग रही है जैसे उसके घुटनों पर उसने सफेद चादर ओढ़ रखी है। डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे उसने हाथों में चिलम ले रखी हो और वो उसे खींच रहा हो। पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं, जंगलों में फैले हुए पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं, सूरज की रोशनी उन पर गिर रही है तो वह ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में जलते हुए अंगारों के समान भी लग रहे हैं। घास के जो झुंड है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भेड़ों का जो समूह है वह सिमट कर बैठा हुआ है, दुबक कर बैठा हुआ है। तो इस तरह की कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। और अचानक से ऐसा दृश्य चल रहा है कि थका हुआ एक शांत मुद्रा में किसान बैठा हुआ है और अचानक से मोर बोलता है सुनते हो, और अचानक से ऐसी आवाज़ आती है कि सब कुछ उल्टा सा हो जाता है, चिलम गोभी हो जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, चारों अंधकार छा जाता है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर जाड़े की एक शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जगह जगह उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ऐसे उपादान के माध्यम से, उन्होंने उपादान के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि प्रकृति कितनी सुंदर होती है। हम प्रकृति के किसी भी दृश्य को, किसी भी प्राकृतिक दृश्य को हम किसी भी चित्र के रूप में चित्रित कर सकते हैं, है ना। हम अपनी कल्पना से उस दृश्य को उस चित्र में परिवर्तित कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं कि अरे ऐसा हो रहा है, ये बादल उड़ रहे हैं आपस में, जूतर पर ऐसा लग रहा है जैसे वो घोड़े सफ़ेद घोड़े उड़ रहे हैं। तो ऐसी कल्पना होती है कवि की। और यहाँ भी कवि ने सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना ने अपने बहुत ही सुंदर कल्पना को यहाँ चित्रित किया है। तो अच्छी कविता है, आप इसे जरूर से लर्न करिए, याद करिए। और इसका प्रसंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस कविता का प्रसंग है कि यहाँ इस कविता में कवि ने जाड़े या सर्दी की एक शाम का, शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, चित्र के रूप में उसका वर्णन किया है। कविता है, चित्रित कविता जिसको कहते हैं, चित्र कविता भी होगी, चित्र के रूप में मानवीकरण जगह जगह यहाँ पर किया गया है। मानवीकरण यानी मानव के रूप में पहाड़ को मानकर और पूरी कविता को समझाया गया है, ठीक है। तो और अच्छी कल्पना कीजिए और इसे समझिए और कुछ अच्छी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इस कविता का वर्णन करिए, ठीक है। इसके पद्यांशों के भावार्थ में आपसे लिखवाऊंगी, आप स्वयं लिखेंगे, इसके दोनों पद्यांशों के भावार्थ आप लिखेंगे। और कविता का प्रसंग स्टार्टिंग में एक लाइन में लिख दीजिएगा कि कविता का प्रसंग, कविता लिख ली, चित्र बना लिया, वो हो गया आपका। उसके बाद कविता के लिखने के बाद प्रसंग कि इस कविता में कवि ने सर्दी की एक शाम का, शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है, ये प्रसंग हो गया दोनों पैराग्राफ। उसके बाद इसका अर्थ, एक एक पैराग्राफ का अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। ये कार्य आप स्वयं करें।